मेरे ऊपर झपटा। टाइगर आपके ऊपर झपट गया? अरे मात्र एक फुट की दूराई पे था टाइगर। अच्छा जी, ये तो बहुत दूर। हाँ, मेरे जो मतलब बाइक में जो दो सवारी होती है, मेरे पास दो सवारी नहीं थी, मैं अकेला था। अच्छा, पीछे वाली सीट हमला कर दिया उसने, तो उसका पंजा आया मेरे पास से। कॉल चल रही है, कॉल हो रही है। किस जगह पे हो रही है? लेफ्ट साइड में लंगोर की कॉल हो रही है। शांत रहो, शांत रहो। लगातार कॉल है। अकेला ही था मैं। हाँ। फिर मैं यहाँ से गया, अपनी पूरी बीट चेक की, उसके बाद नहर पे चढ़ गया मैं। हाँ। नहर पे रास्ता है ना, वहाँ से वहाँ से मंदिर जाने का है, वो झनकैया। हाँ, नहर थी वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ भालू मिला मेरे को, भालू दो पैर पे खड़ा हो गया। अब मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो अटैक करने वाला अपना बना रहा है भाई। ये तो रास्ता खराब है और गांव वाले भी शायद पहुंचे नहीं हैं, लेकिन यहाँ से जाते हैं, देखते हैं। ऐसे सामने निकालना, सामने वहाँ फंस गए। हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डिजन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आज आपको लेके जा रहे हैं, मौसम तो बहुत ही बढ़िया है, देखो मतलब पहले मौसम का नज़ारा देखो, और हम जा रहे हैं जी वाइल्ड लाइफ की जन्नत पीलीभीत टाइगर रिजर्व की तरफ। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे काम है, और बाकी जो नियर बाई आपको वाइल्ड लाइफ है वहाँ की वो दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी चलिए हमारे साथ और मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो रेडी चलते हैं फिर, ठीक है। तो जी यहाँ से सफर की शुरुआत, और इस ट्रिप पे हमारे साथ है खत्री जी। हेलो, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप लोग? तो खत्री जी के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम, और खत्री जी के हाथ में क्या है भैया? हैप्पी फेस वाले बस हम। तो चले फिर, चलिए। तो जी देखिए मौसम का नजारा एकदम ग्रीन। तो ये अभी चल रहा है नंदौर का एरिया, तो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जस्ट स्टार्ट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में जी। यहाँ से नंदौर वन्य जीव अभयारण्य की भी शुरुआत हो जाती है। यार आजकल तो बंद हुआ ना ये रास्ता, पंडित जी बंद है, बरसात के बाद खुलता होगा। तो यहाँ पे एक मंदिर है सूर्य देवी, जो कि जंगल के 6 किलोमीटर अंदर है, लेकिन अभी बारिश में बंद है। कोर जंगल में है, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। एक ब्लॉक तो हमने पहले भी यहाँ का दिखा रखा है, सूर्य देवी मंदिर का। तो बाकी जैसे इसमें भी बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, अभी तो सही है एकदम। ज्यादा बारिश हो गई तो हम फंस भी जाएंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज मौसम पूरा साथ देगा हमारा, क्यों खत्री जी? मौसम सही है तो आते टाइम भी हमें शायद बारिश नहीं मिलेगी। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो तो भी फंसने के चांस रहते हैं। हाँ, 2-3 घंटे लगातार हो गई, या पहाड़ों में बारिश हो गई तो नाले में पानी आ जाता है। अरे खत्री जी, ये बताओ जैसे गाड़ी चलाने के लिए जैसे रोड में चल रहे हैं तो काहे की जरूरत होती है चलाने के लिए? पेट्रोल, वो तो होती है, पेट्रोल की होती है। तो वैसे ही यूट्यूब चलाने के लिए काहे की जरूरत होती है? जितने लोग देख रहे हैं ये मेन है मुद्दा मोटिवेशन का। मेहनत करने के बाद आदमी देख के चले जाता है, सब्सक्राइबर नहीं करता तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना। खाली लाल बटन है उस पर दबा दो, बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब कर दो। तो जी हो रहा है एकदम बढ़िया मौसम। तो जी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सुरई का फॉरेस्ट, और यार लोग बाग ऐसे क्या उतरे भाई, यहाँ टॉयलेट वॉयलेट करने, लेकिन भाई साहब रिस्की है।
तो जी ये है सुरई और अभी हम जा रहे हैं आगे, एक विलेज है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे थोड़ी देर में, आगे से अपडेट देते हैं। तो फिलहाल ये रास्ता आप देख लीजिए। और इससे पहले हम यहाँ पे मंदिर की तरफ भी गए थे, भारामल मंदिर है आगे जाके, तो देखते हैं बाकी। होपफुली अगर कुछ वाइल्ड लाइफ दिखेगी तो वो भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी जी ये फॉरेस्ट में आप परमिशन लेके ही आ सकते हैं, और बाकी ये बोलूँगा कि कहीं भी रास्ते में नहीं निकलना चाहिए और कहीं भी गाड़ी से ना उतरना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डेंस भी है और जगह जगह पे यहाँ पे खतरा है वाइल्ड एनिमल से। और ये जो आगे विलेज है ना, वो जंगल से होके हुए जाते हैं, तो ये उनका रास्ता है। तो इसमें मतलब कई बार उनको बाइक से भी जाना पड़ता है और भी साधनों को यूज करके जाना पड़ता है। तो अभी हम कोशिश करेंगे आपको गांव तक भी लेके जाएं, है ना। है? और ये गांव खुद बहुत ज़्यादा दंस झेल चुका है, जो कि टाइगर अटैक से है। आए दिनों यहाँ पे टाइगर अटैक होते हैं। वहाँ पे कोई जानवर है भाई, रोड पे दिख रहा है। अरे राइट साइड में देखो यार, पता नहीं कौन से थे एनिमल, आपको अगर दिखे होंगे। बाकी राइट साइड में थे, वीडियो में थोड़ा बहुत कैप्चर तो हुआ है। तो जी ये है प्रॉपर टाइगर टेरिटरी, ये देख देखो ना क्या माहौल होता है जंगल का, वो फील करो एकदम डेंस फॉरेस्ट। हम चल रहे हैं बस आप लोगों को लेके। तो जी लेफ्ट साइड में ये जा रहे हैं इको टूरिज्म जोन की तरफ रास्ते, तो यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है क्योंकि ये गांव की तरफ है। अगर आप आएंगे तो आपको सीधे ही जाना है, आप इको टूरिज्म दाएं या बाएं कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ये मिलता है बिली बीच, हाँ ये मिल जाता है पीटीआर से, जो जोन नंबर 1 है उस पे मिल जाता है। तो पूरा जंगल एक ही है पीलीभीत सुरई, बट डिवाइड बाय टाइगर रिजर्व। और ये राइट साइड में आपको जो सागौन दिख रहा है जंगल, ये पूरा प्लांटेड है। प्लांटेड है इसलिए बोल रहा ना, लाइन से आपको दिख रहा होगा एक गली जाते हुए, तो गली जाते हुए दिख रही है, तो मतलब उसको लाइन से रोपा गया है और लाइन से वो प्लांट किया गया है। ये देखो आगे से क्रॉसिंग, कॉल चल रही है, कॉल हो रही है, किसी के बोल रही है।
जिस एरिया में अभी कॉल थी ना कंटिन्यू वहाँ की तरफ एक बार ट्राई करते हैं। तो जी अभी जो मंदिर की तरफ हम जा रहे थे वहाँ का रास्ता तो अभी बीच में बंद भी है, लेकिन हम वहाँ पहले आपको लेके जा चुके हैं, तो पुराना एक ब्लॉग होगा उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड बटन में। बाकी जो आगे विलेज की हम बात कर रहे थे, अभी विलेज की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये देखो जी, ये आ रहा है एक ब्रिज। सब हो सकता है, इधर तो लैंडस्लाइड भी हुई है अच्छी खासी। इसके आगे वैसे तो ये आ जाता है वन विश्राम भवन सुरई का, लेकिन जो विलेज जाना है अभी हम सीधे विलेज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ की भी हमने एक वीडियो आपके साथ पास्ट में शेयर की है। ओहो, यहाँ भी रास्ता ऐसे ही हो रहा है यार, फंसने वाला। बड़े बड़े गड्ढे भी हो रखे भाई, नॉर्मल गाड़ी में तो आ भी नहीं सकते इसमें। ऊंची है नहीं, इसका बेस मतलब उससे भी बढ़िया, क्रेटा और उससे बुलेरो से भी ऊंचा है। किक्स। तो जी देखिए कैसे विलेज में लोग रहते हैं, और बाइक भी आज की डेट में तो भैया पहुंच नहीं सकती, बहुत टफ है, मतलब काफी रिस्क में जाना करके। क्यों? पूरी ऑफ रोड है, पूरी ऑफ रोड है, ऑफ रोड भी है, साथ में जंगली जानवर टाइगर कहीं भी हो सकता है। क्यों? उसकी भी प्रेजेंस हमें मिल गई है, भले टाइगर हमें नहीं देखा तो प्रेजेंस तो असली फॉरेस्ट है, प्रेजेंस तो पूरी मिली टाइगर की जो लंगूर की अलार्म कॉल दी। तो जी वहाँ से तो निकले थे हम काफ़ी दूर, काफ़ी देर से, लेकिन देखिए मतलब विलेज तक नहीं पहुँचे हैं अभी हम, काफ़ी दूर ये विलेज है और जंगल के अंदर है। अब सामने हमें गाड़ी वाड़ी दिख रही है, जो कि यहाँ से मुझे लगता है कि टैक्सी गाड़ी जाती है, तो वहाँ पहुँचते हैं एक बार गांव पे। लेकिन भाई बुरी हालत है, बुरी हालत है। सही गाड़ी होनी चाहिए यहाँ के लिए। हाँ सही गाड़ी हो, अगर आप साथ में औरों के भी नहीं है ना तो रिस्क ना लें, खाली अकेले आना खतरे से खाली नहीं है, अकेले आना खतरे से खाली नहीं है गाड़ी लेके, और अगर नीचे बेस की गाड़ी है तब भी ना है, और गाड़ी से आ भी रहे तो इधर उधर के रूट में ना जाए, कुछ भी हो। आगे का तो रास्ता खराब है और गाँव वाले भी शायद पहुंचे नहीं है, लेकिन यहाँ से जाते हैं देखते हैं। सामने निकालना, सामने फंस गए।
तो जय श्री राम एक ही बारी में निकालने की कोशिश करता है सीधे पीछे को तो नहीं जा पा रहे। अब ना आगे की तरफ हम जाएंगे सीधे तेज स्पीड में। भाई साहब वहां से तो गाड़ी निकाल दी, अब यहां से टफ है। और निकल गए फाइनली भाई। पानी ले, पानी पानी पीने का यार बाद में करेंगे, अब गाड़ी की हालत तो हो गई है गंदी। दोस्तों यहाँ हम फिर से नहीं जा पाए गांव में, हालांकि कुछ गाड़ियां जो गांव की हैं वो तो जा रही है, लेकिन हर कोई नहीं जा पाएगा। और हमारी गाड़ी भी फंस गई थी तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे, किसी टाइम फिर से आएंगे दोबारा, क्योंकि गांव तो फिर से यहाँ पे हम आएंगे, लेकिन जब थोड़ी रोड सही हो जाएगी ना तभी आएंगे अगली बार आपको लेके। सुगत्री जी पूरा जवाब दे देती, सब गाड़ी निकल गई नहीं तो फंस जाते आ गए। हाँ दिमाग ने काम किया, आगे पीछे गाड़ी निकाल दी, बहुत बुरी तरह फंस गई थी गाड़ी, वो बुलेरो भी फंसी हुई थी आगे गाड़ियाँ। हाँ। लगा तो बुलेरो फंस जा रही थी तो। हाँ क्योंकि यहाँ की जो रोड कॉज स्थिति है आप देख ही रहे हैं कि गाड़ी सिर्फ ये टैक्सी वाली है और बाकी गांव वालों के पास कोई विकल्प नहीं है, और अच्छी खासी आबादी है इस गांव में। दोस्तों ये वही गांव है जिसकी हम बात बता रहे थे, बग्गा विलेज, जहां हम पहुंचते हुए, लेकिन यहां आए दिन मतलब कि टाइगर अटैक की घटनाएं होते रहती है, और अक्सर मतलब घर के बाहर से ही टाइगर वहां पे लोगों को उठा देता है गांव से। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं पास में, अभी रिसेंट 4 लोगों को मारने वाला एक टाइगर भी यहाँ से पकड़ा गया है कुछ टाइम पहले। शारदा कैनाल है अभी। हाँ शारदा कैनाल, बहुत ही गंदा पानी सुनने का साथ था। विलेज से आए रहते और सामने यहाँ पे फॉरेस्ट वालों का कुछ रहने का बना है, तो एक बार देखते हैं कोई होगा तो मिलते हैं। और गाड़ी भी बहुत गद्दी हो गई, गाड़ी भी साफ करते हैं। हम जा ही रहे थे, ये सीधा गांव की तरफ जाता है और यहाँ से मंदिर, तो भैया बता रहे मंदिर के पास पेड़ वेड़ गिरा है कुछ है। अच्छा तो भैया अभी यहाँ लगातार अलार्म कॉल हो रही थी, तो यहाँ टाइगर दिखते हैं इस क्षेत्र में? अब वो आप जैसे बता रहे हो ना, हाँ जैसे मंकी कर रहा है तो टाइगर ही हो सकता है फिर वहाँ पर। अभी कब दिखा था आपको बीच में? हमें तो कल ही देखा था बस थोड़ी देर। क्या फीमेल मादा थी? मादा थी। अच्छा बच्चे भी? बच्चा एक ही था। तो भाई जी जो सफारी की रेंज है, सफारी गाड़ी यहाँ आती है इस साइड भी? अभी तो बंद हो जाएगी। अच्छा ये पूरा रोड हो गया उसका? नहीं दिखा था। और आप जैसे गश्त भी करते होगे जंगल में तो डंडा वगैरह? हाँ डंडा सेफ्टी के लिए, हथियार साथ में रहता है। सेफ्टी बाका हो गया, बाका कुल्हाड़ी हो गई, जो मिल जाता वो ले लेते हैं। अच्छा आप लोग वैसे कहाँ से? बनबसा साइड? नहीं के लोकली के। अच्छा ही लोकल है तो कभी हुआ आमना सामना मतलब बाघ से ऐसे पास से जब जंगल में गश्त में जा रहे हो तब? आमना सामना तो कई बार हो जाता है, पीछे ही हटना पड़ता है उससे। कैसे हटते हैं पीछे? पीछे कैसे हटते हैं? टाइगर जैसे अगर सामने हमें मिला 20-25 मीटर की दूरी पे तो हम खड़े हो जाते हैं। अच्छा खड़े हो? हिलना नहीं है। हाँ हिलना नहीं है, वो अपना रास्ता इधर उधर कर देगा, देख के खड़ा होगा, देख के फिर अपने आप रास्ता। अगर वो नहीं हटेगा तो फिर हटना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, पीठ नहीं दिखानी पड़ेगी। अगर वो खड़ा रहा 5-10 मिनट तब हमें पीछे हटना ऐसे करके। तो जैसे एक बीच में भी एक हादसा भी हुआ था, साइकिल वाला एक बंदा जा रहा था बग्गा गांव को, वो इसी रास्ते से गया या दूसरा रास्ता? यही रास्ता
अच्छा इसी रास्ते में मारा था वो टाइगर ने, आगे का केस था, मतलब पूरा जंगल के रास्ते ही गए वो पैदल, वो भी हाँ पैदल देना, वो भी थोड़ा रिस्की अपने आप में। भाई साहब घर जाने का टाइम मिलता है वैसे? मिल जाता है टाइम। अच्छा, और लेकिन मोबाइल सिग्नल कुछ नहीं, वहाँ सिग्नल नहीं है, कोई मैसेज वैसेज भी नहीं आ पाता होगा, एकदम जैसे बॉर्डर में जैसे सैनिक की ड्यूटी है वैसे आप लोगों की भी है। ये यहाँ नेटवर्क की जरा नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम, और इमरजेंसी हो तो उसके लिए अगर तो इमरजेंसी हो जाती तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर और आगे जाते हैं या इधर को बढ़ेंगे गाँव की साइड आ जाते हैं नेट, और वहाँ से फिर बात हो जाती है। यहाँ 2-2.5 किलोमीटर रेस्ट हाउस है, वहाँ नेट वहाँ पे साथ ही जाना पड़ेगा। अगले रोज जाओगे? नहीं नहीं नहीं, दो आदमी साथ में जाते, पैदल? नहीं नहीं बाइक से। अच्छा यार, पैदल को तो रिस्क है। आप लोग भी सोच समझ के जाते होंगे ना, क्योंकि जानवर सबके लिए एक ही हुआ। जानवर तो इनको बैठाने भी लग गया होगा, रोज देखता है जो। बाकी जैसे कोई इधर उधर घुसता होगा उसको तो सीधे पेनल्टी है यहाँ पे, मतलब कोई जा ही नहीं सकता बिन पूछे तो, आरक्षित है। हाँ तो ये है जी माँ का प्यार, पग मार्क बच्चे का काम। इसके साथ बच्चे भी यहाँ पे हाँ यहीं पे बैठे हैं ना, तो जो ये दिखे थे बच्चे यहीं पे इसी लोकेशन में माँ के साथ। अभी भैया एक जस्ट एक चीज बताए जो कि रियल एक्स इंसिडेंट है भालू के साथ। भैया बताएंगे वाले भालू वाली। वो मैं एक दिन जा रहा था इधर बाइक से रोड पे, अकेला ही था मैं, फिर मैं यहाँ से गया अपनी पूरी बीट चेक की, उसके बाद नहर पे चढ़ गया मैं। हाँ। नहर पे रास्ता है ना वहाँ से, वहाँ से मंदिर जाने का है वो झनकई जाता। हाँ तो वहाँ भालू मिला मेरे को, भालू दो पैर पे खड़ा हो गया, अब मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो अटैक करने वाला अपना बना रहा है भाई। हाँ। जो भी है, तो फिर मैंने क्या काम किया, मैं बाइक चल रही थी, मैंने बंद की बाइक को, बाइक को खड़ा किया मेन चेन में लगा के, और मेरे पास गमछा था काला, मैं वहाँ खड़ा होकर काले गमछे से ऐसे पूरा कर दिया। अरे भाई साहब पूरा बाइक के ऊपर ही खड़े हो गए। फिर उसके बाद वो भालू भी देख रहा था मेरी तरफ की, मतलब ये क्या ये है, कौन सा नया जानवर आ गया, जानवर है क्या है, इतना बड़ा। हाँ अभी आवाज भी आ रही थी, आवाज भी बंद हो गई, अब ये इतना बड़ा कैसे हो गया। फिर उसने दोनों पैर नीचे किए अपने, फिर वो चला गया, फिर मैं भी निकल आया। सब निकल के तुमने रास्ता दे दिया? हाँ मैंने उसने रास्ता दे दिया मेरे को, नीचे पैर किया फिर चला गया। ये तो एकदम सूझबूझ वाली है, जो चीज हम पढ़ते हैं ना, जो चीज हम देखते हैं, वो भैया का रियल इंसिडेंट वो खुद कर चुके हैं। अपने को इतना बड़ा दिखाओ कि सामने वाला थोड़ा सा वो हो जाए। भैया अपना एक भालू का इंसिडेंट बता रहे हैं, पहले तो सब्जी बन रही है। हाँ अच्छा, भैया के साथ हुआ कोई नहीं, कर लो चूल्हे के सामने मैं बाइक से जा रहा था तो टाइगर मेरे ऊपर लगा, टाइगर आपके ऊपर झपट गया। अरे मात्र एक की दूराई पे था टाइगर। अच्छा ये तो बहुत दूर। हाँ मेरे जो मतलब बाइक में जो दो सवारी होती है, मेरे पास दो सवारी नहीं थी, मैं अकेला था। अच्छा पीछे वाली सीट में हमला कर दिया उसने, तो उसका पंजा आया मेरे पास से, बिल्कुल बगल से, बिल्कुल बगल से, तो सीट पे लगा पंजा पीछे, सीट पूरी फाड़ दी होगी। हाँ सीट फाड़ दी, खतरनाक। तो उस समय कैसा लगा आपको? 2 महीने में कोमा में रहा। हाँ ये तो पूछना चाह रहा था। तो ये मतलब गस्त के वो चल रहा होगा, मतलब गस्त के दौरान दहशत तो होती है उसकी, दहशत तो हो जाती है ना, जैसे आप कह रहे 2 महीने में ऐसे रहा करके ना, भाई दहशत तो हो जाती है शरीर में, दहशत हो जाती है। हम अकेले गस्त में नहीं जाते थे ना, बिल्कुल 2-3-4 अब भी नहीं जाते होगे तब से अकेले, कभी मत जाना भाई। तो उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि यार ये ड्यूटी छोड़ देता हूँ, यार जान पे आई 10 दिन तो मैं घर पे रहा। अच्छा फिर क्या चीज आपको दोबारा से ड्यूटी पे बुलाई?
जुनून है, जुनून भी है, काम भी है, चलो अपना रोजगार भी तो है, रोजगार भी, रोजगार तो चलो बाहर इससे भी ज्यादा इनको मिल जाएगा, बाहर इससे ज्यादा रोजगार इनको मिल जाएगा, लेकिन जो जुनून है ना भैया को, वाइल्ड लाइफ पसंद होगी, जंगल पसंद होगा, वो जुनून ही कहते हैं, जुनून ही है। जो आप इतना कुछ कर रहे हो वाइल्ड लाइफ के लिए, एक चीज इतनी खतरनाक चीज होने के बाद की भैया, फिर हम आबादी से लगते है ना, हाँ, तो अभी खाना बनाने की तैयारी भी उजाले उजाले में हो जाती होगी, हम दिन छुपने से पहले खाना खा के तैयार हो जाते, और हम लोग भी मंदे भाई लोग मिल गए, और हम भी वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, तो हमें अच्छा लगता है कोई हमें मिलते हैं फॉरेस्ट वाले अपने भाई बंधु। अरे यहाँ पे देखो भाई कितनी सारी सफेद बर्ड है, लेकिन इतनी सारी जंगल के साइड सब ग्रेड है भाई, ग्रेड है वगैरह, हम एक दफा आ जाती है, या तो टाइगर वाइगर की मूवमेंट से तो नहीं भागी सब, ये भी एकदम रेयर नजारा है, तो साथियों अभी तो हम यहाँ से चल रहे हैं, और लेकिन क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो बाकी यह है, जबरदस्त अलार्म कॉल थी, और उसके बाद गांव की तरफ भी गए, वहां पे तो उस टाइम पे तो टाइगर की यार कंफर्मेशन मतलब 100% थी, 100% टाइगर अगल बगल में था, बस ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे रोड में चलते हुए दिख जाए, टाइगर आवाज से भी अंदर की तरफ मूवमेंट कर लेते हैं कई बार, और वैसे भी इन एरिया में ज़्यादातर गाड़ी सफारी नहीं चलती है, तो टाइगर साई होते हैं। अब बीच रोड में कुछ है, आपको क्या है जाके दिखेगा, भालू लग रहा है, नहीं छोटा है बहुत, मोर है मोर। और भाई सल्यूट है यार ये वन श्रमिक को ना, जो यहाँ काम करते हैं वॉचर्स, सल्यूट है भाई, आमना सामना आप देख रहे हैं उनकी स्टोरी लाइफ की, और हमें लगता है यार हमारी जॉब टफ है, या फिर वो एक बार इनकी थोड़ा सा महसूस करके देखिए जो जंगल में रह रहे हैं, और काफी कम आय में मतलब बहुत कम, और उसमें मतलब क्या चुनौती से हैंडल करते हैं, और ईमानदारी से करते हैं, और ईमानदारी करनी भी चाहिए भैया नेचर और वाइल्ड लाइफ के प्रति ना, आपको ईमानदार तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका अतीत है, आपका फ्यूचर है, क्यों खतरे जी क्या बोलोगे? हाँ सही भाई, ये तो सही बात है, इनकी मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत सारा है। जो फर्स्ट का जो दारो मदार है ना इनके ऊपर ही रहता है, हाँ। में ये देखा जाए तो ग्राउंड, हाँ। जो ग्राउंड में असली में तो ये ग्राउंड में रहते हैं, ऊपर हाँ। की पोस्ट वाले तो कभी कभी आते हैं, हाँ। पोस्ट में हाँ। ये तो हर समय अपने ग्राउंड में रहना पड़ता है इनको, पीछे कुछ दिखा था यार पता नहीं क्या है, हिरन जैसे लग रहा था, हिरन हिरन है, हिरन है यार, देख रहे हो कंफर्म करना तो जरूरी था भाई साहब। बाहर आ गए करके तो जी फिर आज का करते हैं ब्लॉग क्लोज, और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए ब्लॉग में, उससे पहले हम गाड़ी का थोड़ा सा कीचड़ विचड़ साफ करते हैं शीशे से, और फिर दोबारा मुलाकात होती है। बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेफ एनिमल।